चीन मामले में कांग्रेस के आरोप पर सरकार का जवाब, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का हमला, कहा चीन से फंडिंग पर चुप क्यों है राहुल गांधी। क्या चाइनी दूतावास से फंडिंग राजीव गांधी फाउंडेशन ने ली, इस पर राहुल गांधी चुप क्यों है। दिल्ली में आज शाम 4 बजे होगी बिगॉल बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, महासचिव बीएल संतोष करेंगे मंथन। 2024 में लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनाव की रणनीति पर होगी चर्चा। छपरा में जहरीली शराब से मौत के मामले में विधानसभा के अंदर और बाहर विपक्ष का फिर से हंगामा, मृतकों के परिवार वालों के लिए मुआवजे की मांग। कि बिहार में पूरी तरह से शराबबंदी फेल हो गई है और सरकार आंकड़ों को छिपा रही है। मध्य प्रदेश में मदरसों के पाठ्यक्रम को लेकर सियासी घमासान, गृह मंत्री ने कहा कराई जाएगी जांच, कांग्रेस ने किया जमकर विरोध। हम कलेक्टर महोदय को कहेंगे कि संबंधित शिक्षा विभाग से वो इसकी स्क्रूटनी करा ले। आतंकी संगठन टीआरएफ ने दी कश्मीरी पंडितों को धमकी, चिट्ठी में पंडितों पर विक्टिम कार्ड खेलने का आरोप, बीजेपी बोली धमकी आतंकवाद के बुझते दिए का प्रतीक। इस प्रकार की धमकियों से ना तो कोई डरने वाला है, ये बुझते हुए दिए का एक प्रतीक है। झारखंड के साहिबगंज में श्रद्धा जैसा मर्डर केस, आरोपी दिलदार अंसारी पर पत्नी की हत्या कर शव के 50 टुकड़े करने का आरोप, पुलिस ने शव के 18 टुकड़े बरामद किए। रोमांचक मुकाबले में फ्रांस को हराकर अर्जेंटीना ने जीता फीफा वर्ल्ड कप, पेनल्टी शूटआउट में फ्रांस को 4-2 से दी मात, पीएम मोदी ने अर्जेंटीना को दी जीत की बधाई। फीफा वर्ल्ड कप फाइनल में हार के बाद फ्रांस में हिंसा, गुस्साई भीड़ का सड़क पर हंगामा और आगजनी, पुलिस से भी भिड़े लोग। और न्यूज 18 इंडिया लगातार बना हुआ है देश का नंबर वन न्यूज चैनल, काफी पीछे छूटा आज तक दर्शकों ने खबरों के लिए न्यूज 18 इंडिया पर जताया भरोसा। आज तक को पछाड़, न्यूज 18 इंडिया बना भारत का नंबर वन न्यूज चैनल, देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर वन न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया, मैं हूं आपके साथ सपना शुक्ला। न्यूज 18 इंडिया की बादशाहत लगातार कायम है। जी हां, नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता दुबे। टीआरपी की रेस में आज तक काफी पीछे छूट चुका है। सबसे सटीक और भरोसेमंद खबरों के लिए देश ने एक बार फिर न्यूज 18 इंडिया पर भरोसा जताया है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का, मैं हूं आपके साथ कृतिका सिंह।